हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो तीसरा वीडियो है करंट अफेयर्स का मेरा। हम लगभग कितने करंट अफेयर्स कर चुके हैं, 225, हम 225 करंट अफेयर्स कर चुके हैं और अभी हम 2018 वाले करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो आप फिर से बता रहे थे, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो करंट अफेयर्स के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो PDF है 2000 क्वेश्चंस की सीरीज है और इसमें देखिए दो साल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स हैं, 2000 चुनिंदा अति संभावित प्रश्नों की सीरीज है। साथ में आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेगा। प्राइस की बात करें 40 रुपीज़ है। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, वहां से जाके ले सकते हैं। साथ में आपको यहां पे करंट अफेयर्स का मैं करा रहा हूं, साथ में इसकी PDF आप ले सकते हैं, मैथ की आप PDF ले सकते हैं। मैथ एकदम गजब का PDF है, आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। बात करें उसके बाद आप GS की PDF ले सकते हैं। जनरल साइंस बहुत अच्छे से दिया गया है। आप लेने के बाद आप सोचोगे इतनी अच्छी PDF आप कहाँ, क्यों आप छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें बात करें 40 रुपये की आप PDF ले सकते हैं, ये करंट अफेयर्स वाली जो मैं करा रहा हूँ, और जो बाकी है उसका प्राइस उसमें इंक्लूड है, सब इतने का ही मिलेगा आपको। वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आइए हम चलिए शुरू करते हैं इसको। हम देख लें सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक आपको PDF में मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा 2018 का करंट अफेयर्स, यहाँ पे देख सकते हैं 2018 का करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको, 2018 का ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उसके बाद आपको इस PDF में मिलेगा 2019 के जनवरी फरवरी, और ये देखते हैं मार्च अप्रैल और मई, उसके आगे जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। अभी हम कितने कर रहे हैं, 225 करंट अफेयर्स कर चुके हैं और वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। और जिन लोगों को PDF चाहिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कहूँगा आप चारों PDF जो डाला है मैंने सब खरीदो, बहुत अच्छा है और इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं वीडियो को, 225 से 226 नंबर से शुरू कर। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ 2018 वाले हम कर रहे हैं, अभी 2019 के आएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे 226 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 226 नंबर क्वेश्चन है आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, ध्यानचंद पुरस्कार 2018 कुश्ती के लिए किसको दिया गया। तो चौगले दादू दत्तात्रेय, ठीक है, इनको दिया गया। और PDF ले लेंगे, तो मेरा मानना है PDF ले लेंगे, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल पुरस्कार की बात हो रही है तो सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट बात करें, प्रथम खेल रत्न पुरस्कार के विजेता कौन है, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने दो खेलों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो पंकज आडवाणी, ध्यान रखिएगा स्नूकर के प्लेयर हैं और इनको दो खेलों के लिए बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों खेले खेलते हैं और इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट बात करें, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 किसने जीता, भारत ने जीता, भारत पाकिस्तान संयुक्त रूप से जीता था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, विराट कोहली है। आगे चलते हैं 232 नंबर, एशियन गेम्स 2018 में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है, भारतीय ठीक है, इसमें खिलाड़ी नहीं पहलवान है, बजरंग पूनिया खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात करें, एशियन गेम्स 2018 में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे, नीरज चोपड़ा थे, भाला फेंक, और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। नेक्स्ट बात करें, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है, विनेश फोगाट, और एशियाई खेल्स कहाँ हुए थे, जकार्ता में हुए थे, इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा। एशियन गेम्स 18वां संस्करण कहाँ हुआ, इंडोनेशिया के जकार्ते में। नेक्स्ट बात करें, इस एशिया खेल 2018 में हुआ था, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो एशिया खेल 2018 में भारत में कुल कितने पदक जीते, तो 69 पदक जीते थे, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर, 30 कांस्य। नेक्स्ट बात करें, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता। नेक्स्ट, किसने शंघाई मास्टर्स ओपन खिताब चौथी बार जीता, तो नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट, टेस्ट डेब्यू पर शतक जड़ने वाले सबसे भारतीय युवा पृथ्वी शॉ। नेक्स्ट बात करें, एशिया कप 2018 किस देश ने जीता, तो भारत ने जीता और बांग्लादेश को हराया, सातवीं बार जीता भारत ने एशिया कप। नेक्स्ट बात करें, US ओपन 2018 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता जो सर्बिया की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट, US ओपन 2018 महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो नोमी ओसाका ने जीता। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल 2018 का खिताब किसने जीता, तो रोजर फेडरर ने जीता, स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट बात करें, ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल 2018 का खिताब किसने जीता, तो कैरोलिन वोजरियाकी डेनमार्क की हैं, इन्होंने जीता। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2018 किसने जीता, राफेल नडाल स्पेन के हैं, इन्होंने जीता। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2018 का खिताब किसने जीता, तो सीमोन हेलप रोमानिया की हैं, इन्होंने जीता। नेक्स्ट बात करें, विंबलडन चीनी टेनिस चैंपियनशिप 2018 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के हैं। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2018 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट, विंबलडन
टेनिस चैंपियनशिप 2018 महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो एंजुलिक कार्बर ने जीता। रोम मास्टर इटालियन ओपन 2018 किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता। बार्सिलोना ओपन 2018 किसने जीता, राफेल नडाल ने। नेक्स्ट रोजर्स कप यानी कि कड़ानिया ओपन 2018 महिला एकल खिताब किसने जीता, तो सिमोना हेलप। सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट। एक लाइन से आप इसको याद करो, एक लाइन से दिया इसलिए आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप लिख लो कॉपी पेन लेके, वो बेटर रहेगा, नहीं तो आप पीडीएफ ले लो, वो भी आपके लिए बेटर। मैथ वाली पीडीएफ एकदम गजब की है, ठीक है। मैं चाहता हूँ अगर जो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट नहीं देना शुरू किया, तो आपके लिए यहाँ पे परीक्षा ऐप का है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दे सकते हो। इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है, सबसे सस्ता आपको मिल जाएगा इसमें, चाहे ग्रुप डी की हो चाहे एनटीपीसी को। आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करो और उसको बाय करो। और बाय करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोमो कोड जैसे ही अप्लाई करोगे, लगभग 250 का टेस्ट है, ये प्रोमो कोड लगाओगे बाय करते समय, आपको 40% तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आप बाय कर लेना, ये 150 के समथिंग का पड़ेगा। तो जाओ, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट बहुत जरूरी है ग्रुप डी और एनटीपीसी कोई भी एग्जाम रेलवे का देने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फार्मूला वन रेस 2018 का वर्ल्ड चैंपियन कौन बने, तो लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट, किस खेल को एशियाई ओलंपिक परिषद ने मान्यता एशियाई ओलंपिक परिषद से मान्यता मिलने पर अब यह खेल एशियाई देशों में भी खेला जाने लगा। खो खो, खो खो भारत का खेल था और अब एशियाई खेलों में ये खेला जाने लगा। नेक्स्ट बात करें, ऋषभ पंत टेस्ट डेब्यू में 5 कैच लेने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर हैं बने। रूस ओपन बैडमिंटन खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने, सौरभ वर्मा। तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन हो जाते हैं, एक तो ऋषभ पंत हो गया टेस्ट डेब्यू में 5 कैच लेने वाले पहले खिलाड़ी, और नेक्स्ट बात करें ओपन बैडमिंटन खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने, सौरभ वर्मा। नेक्स्ट बात करें, खेलो इंडिया छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत खेल प्राधिकरण ने कितने युवाओं का चयन किया, तो 734 युवाओं का चयन किया। नेक्स्ट, फ्रांस ने कितने वर्ष बाद फीफा विश्व 2018 खिताब जीता, तो 20 वर्षों बाद। फुटबॉल विश्व कप 2018 फीफा में गोल्डन बूट किसे मिला, हैरी केन को मिला। नेक्स्ट, 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की कोई महिला या पुरुष खिलाड़ी, हीमा दास। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आसाम की हैं। जिम्नास्टिक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी, तो दीपा कर्माकर। नेक्स्ट बात करें, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने, राहुल द्रविड़। 2018 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने जीता। नेक्स्ट चलते हैं, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी, तो मिताली राज है, भारत की कैप्टन थी। नेक्स्ट बात करें, BCCI के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार हेतु किसे चयनित किया गया, तो विराट कोहली को। नेक्स्ट, IPL 2018 का खिताब किसने जीता, चेन्नई सुपर किंग ने। IPL 2018 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने, केन विलियमसन बने। और ये देखिए यहाँ पे इनको ऑरेंज कैप भी मिला था, ठीक है। 2019 IPL किसने जीता, मुंबई इंडियंस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट, अभी हमने बोला 2018 का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आगे 19 का आएगा तो 19 का हम देखेंगे। नेक्स्ट बात करें, ये IPL वाले हम छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें करंट का पढ़ना है, तो IPL हम 2019 पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए, शशांक मनोहर। नेक्स्ट बात करें, संतोष ट्रॉफी 2018 किसने जीता, तो केरल ने जीता बंगाल को हराकर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 कहाँ हुआ था, गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स दोनों इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ होगा, बर्मिंघम UK में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 भारत ने कितने पदक जीते, 66 पदक जीते, और इसमें बात करें 66 में 26 गोल्ड 20 सिल्वर और 20 कांस्य थे। 16 साल की उम्र में शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतकर किसने इतिहास रच दिया, मनु भाकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 65 किलोग्राम भारवाह में किसने गोल्ड मेडल जीता, तो नवजोत कौर ने जीता। आगे चलते हैं, ICC की पहली महिला स्वतंत्र निदेशक कौन बनी, इंदिरा नोई। नेक्स्ट, T20 महिला T20 एशिया कप 2018 किस देश ने जीता, बांग्लादेश ने जीता। भारत के लिए सबसे ज़्यादा वनडे शतक बनाने वाले कप्तान अब कौन बन गए, विराट कोहली। नेक्स्ट बात करें, T20 विश्व कप 2020 की मेज़बानी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए, विराट कोहली। और अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर पुस्तक किसने लिखी, तो मारिया सारापोवा। नेक्स्ट, रेखा
द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखी, तो यासीर उस्मान ने। हेमा मालिनी, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक किसने लिखी, राम कमल मुखर्जी ने। नेक्स्ट चलते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी, अरुंधति राय ने। नोट्स ऑफ ए ड्रीम जो कि एक ए आर रहमान की जीवनी पर आधारित है किसने लिखी, कृष्णा त्रिलोक ने। नेक्स्ट, रेडियो कश्मीर इन टाइम्स पीस ऑफ एंड वार, ठीक है, तो ये पुस्तक किसने लिखी, डॉक्टर राजेश भट्ट ने। अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक किसने लिखी, अरुण जेटली ने। नेक्स्ट, लावा पुस्तक के लेखक कौन है, जावेद अख्तर। लास्ट मैन इन वाटर पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा। आगे चलते हैं, वनडे क्रिकेट द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है, आशीष राय। नेक्स्ट, क्रिकेट एज आई सी एट के लेखक कौन है, एलन बॉर्डर। नेक्स्ट बात करें, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, युवराज सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटर्न टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, शोभा नारायण। नेक्स्ट, स्पीकिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, चेरी ब्लेयर। समुद्र मंथन पुस्तक के लेखक कौन है, श्री राजा मोहन। नेक्स्ट, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ऐसे या पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट चलते हैं, टू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है, एडम गिलक्रिस्ट। द मास्क ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन है, वी एस नायपाल। आगे चलते हैं, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है, आर्मत सेन। नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ बराक ओबामा पुस्तक के लेखक कौन है, रिचर्ड वोल्फी। नेक्स्ट बात करें, लिविंग हिस्ट्री आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, तो हिलेरी क्लिंटन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बात करें, हेलमेट पुस्तक किसने लिखी, शेक्सपियर ने, हेमलेट, ठीक है, हेमलेट है। और नेक्स्ट बात करें, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक किसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आई डू व्हाट आई डू कई बार एग्जामों में पूछा गया है। हेमलेट भी ध्यान रखिएगा शेक्सपियर, लेकिन उससे लगभग 10 कह सकते हैं 10 गुना इंपॉर्टेंट आपका रघुराम राजन, ठीक है। आगे चलें, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसने लिखी, शशि थरूर ने। अनसुटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखी, करण जौहर ने। नेक्स्ट, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, चेतन भगत। इनकी जो लेटेस्ट जो बुक है द रूम नंबर 25, देखा द गर्ल इन रूम नंबर 125, बहुत इंपॉर्टेंट है, द गर्ल, ठीक है, रूम नंबर 125, ये लेटेस्ट बुक है चेतन भगत की, इंपॉर्टेंट है। वन लाइफ इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक कौन है, नटवर सिंह, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गेटिंग इंडिया बैक टू ट्रैक, ठीक है, बैक ऑन ट्रैक, रतन टाटा ने लिखी है। आगे चलते हैं, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसने लिखी, शशि थरूर ने। द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, अरुंधति राय ने लिखी है। नेक्स्ट बात करें, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक किसने लिखी, सुधा मूर्ति ने। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी, एन आर नारायण मूर्ति ने। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर जो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो दिसंबर के करंट अफेयर्स थे वो इम्पोर्टेंट हमने कर लिए हैं। अब 2019 के करंट अफेयर्स हम करेंगे कल से, कब से करेंगे, कल से ले करेंगे। लेकिन हमें बताना चाहूँगा, मेरे पास मैथ की पीडीएफ है, जीके की पीडीएफ है, साथ में जनरल साइंस की पीडीएफ है। मैथ और जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ले सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम कल से 2019 के करंट अफेयर्स करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जनवरी का हम कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, आगे फरवरी का, मार्च का अलग अलग वीडियो में करेंगे। आशा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।